हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स दिस इज मैग्रिसमीन पठान योर साइंस फॉर फॉर क्लास क्लास एंड तो जैसे कि मैंने आपको अभी अभी बताया कि मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ क्लास नाइन्थ तो क्लास टेंथ की साइंस फुल कंप्लीट डिटेल्ड कोर्स के साथ जिसमें आपको मिलेंगे डेली प्रैक्टिस पेपर्स और स्टूडेंट्स अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं तो हम आपको के से लेके क्लास ट्वेल्व तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं जैसे कि एमपी बोर्ड यूपी बोर्ड बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड तो हम आपको हैं, के, तक की, और students, अगर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो आप जाकर उसको वहां से इजिली क्राफ कर सकते हैं तो भाई विदिश करते हैं आज का धमाकेदार सेशन जिसके अंदर भाई कांग्रेच हम शुरू करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर पार्ट चैप्टर टू

पानी की बात करें तो प्योर है बट साइंस कहती है ना 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 ना, प्योर तो नहीं है तो मतलब कि मैम साइंस के अकॉर्डिंग किस तरीके से प्योर है वही तो इस चैप्टर के अंदर सीखना है कि साइंस के अकॉर्डिंग किस तरीके से कोई भी मैटर प्योर होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स

The end एंड ऑफ दिस सेशन यू विल नो एवरीथिंग अबाउट दिस चैप्टर लाइक अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है क्या क्या होता है सबके छोटे छोटे आइडिया दूंगी क्योंकि डिटेल में तो मैं पढ़ाने वाली हूँ ना अपने प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स को तो देखो तो अब आते हैं क्या इस मैटर अराउंड ऑज प्योर तो ये तो मैं आपको बताया कि क्या हमारे अराउंड मैटर प्योर है या नहीं है उसको तो अभी जान ही लेंगे चैप्टर के चलते चलते बट द थिंग इज वॉट मैटर मैटर क्या है तो आपको मैंने बताया था स्टूडेंट एनीथिंग दैट हैज मास सम स्पेस जिसका कोई मास स्पेस uh, को ऑक्युपाई करे तो मतलब कि मैम जैसे कि अगर मैं मेरे हाथ में स्टाइलस आपको दिख रहा है तो ये स्टाइलस क्या है मैम क्या मैटर है hmm, देख लेते हैं ना तो भाई ये देखो जब मैंने इसको पकड़ा तो देर इज मास कुछ तो मास है इसका फिर दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर मैं इसको कहीं पर भी रखूंगी मान लो मैंने इसको अपने हाथ पे रखा अब मेरा हाथ यहाँ पे खाली स्पेस है तो जब मैंने इसको अपने हाथ पे रखा स्टूडेंट तो देखो इसने स्पेस ऑक्यूपाई करा तो इफ अगर इसने स्पेस इस को ऑक्यूपाई किया तो मतलब कि मैम ये स्टाइलस मैटर है अब मान लो जैसे मैंने हाथ में वॉच पहन रखी है तो अगर मैं इस वॉच को

अब हम लोग देखने वाले हैं कि क्या वो मैटर प्योर है क्या मैम ये स्टाइलस प्योर है क्या ये वॉच प्योर है क्या वो मिल्क प्योर है जो हम रोज पीते हैं क्या वो घी प्योर है जो हम रोज खाते हैं तो वही तो हम बोलेंगे देखो आप बोलोगे मैम घी तो बिल्कुल प्योर है मम्मी ने बोला है बिल्कुल घी हम प्योर खाते हैं ऐसा कुछ बेटा साइंस के अकॉर्डिंग वो प्योर ही नहीं है साइंस कहती है, ना भाई प्योर नहीं है तो प्योर कौन है मैम प्योर है हमारे ऐसे सब्सटेंसेस जिनके पार्टिकल्स जो है बिल्कुल मतलब के सेम है उनको आप केमिकली सेपरेट uh, नहीं कर सकते डन अब देखो यहाँ पे अब आपको इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं तो सबसे पहले हम लोग वही देखने वाले हैं कि टॉपिक्स तो कवर सबसे पहले हम देखेंगे प्योर एंड इमप्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं जैसे मैंने बताया ना आपको क्या चीज प्योर है और क्या चीज प्योर नहीं है तो वो हम लोग इस सेशन के अंदर देखेंगे स्टूडेंट्स तो प्योर क्या है देखो प्योर इज इन द सेंस अगर मैं आपसे बोलूँ मिल्क प्योर है नहीं मिल्क तो प्योर नहीं है आप बोलोगे कैसे मैम मिल्क कैसे प्योर नहीं क्योंकि स्टूडेंट मिल्क के अंदर कोई एक ही चीज थोड़ी है मिल्क के अंदर फैट है मिल्क के अंदर प्रोटीन है मिल्क के अंदर वाटर है तो अगर ये तीनों चीजें मिल्क के अंदर है तो मिल्क तो प्योर नहीं है क्योंकि

तो वो तो आपका इम्प्योर सब्सटेंस हो जाएगा तो मैम ऐसे केस में हम देखते हैं कि आपके जो प्योर सब्सटेंसेस होंगे वो ऐसे सब्सटेंसेस होंगे जिनमें आप क्या देखेंगे कि आपके जो एटम्स हैं वो सेम होने वाले हैं ऐसे अलग नहीं होने वाले हैं मतलब कि आपके पार्टिकल सेम होने चाहिए जैसे मिल्क की बात करें तो मिल्क क्यों इंप्योर है क्योंकि मैम मिल्क में एक ही पार्टिकल नहीं है मिल्क में वाटर है मिल्क में प्रोटीन है मिल्क में फैट है तो इस तरीके से हम यहीं पे कुछ मजेदार देखेंगे जब मैं इस से, सेशन को डिटेल में लेकर आऊंगी तो डोंट वरी एक एक चीज क्लियर कर दूंगी तुम लोग की प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस के रिगार्डिंग डन यस मैम तो हम लोग ये चीज देखने वाले हैं चलिए मैम ये देखेंगे हम लोग तो इसका सेशन हमारा आएगा बढ़िया करके इसको टॉपिक को डिटेल में अभी तो थोड़ा सा आइडिया दे दिया कि कोई चीज प्योर है है या है। फिर आते हैं स्टूडेंट एलिमेंट देखो मैं आपको बता रही हूं कि जो आपके प्योर सब्सेंसेस होंगे वो फर्दर टू कैटेगरीज में कैटेगराइज होंगे एलिमेंट्स एंड कंपाउंड क्या एलिमेंट्स एंड कंपाउंड तो एलिमेंट आपका क्या होते हैं जैसे कि आपको बताया एलिमेंट्स भी फर्दर कैटेगरीज में कैटेगराइज होंगे मेटल्स नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइट्स तो इन सबको हम लोग देखेंगे स्टूडेंट फिर देखो मैंने बताया आपको एलिमेंट्स फर्दर कैटेगरीज में कैटेगराइज होंगे मेटल नॉन मेटल मेटेलाइट फिर आएंगे स्टूडेंट मिक्सचर्स तो मिक्सचर देखो मिक्सचर से क्या लगता है मिक्सचर मिक्सचर नाम से क्या पता चले कि मैम कुछ तो मिक्स हुआ हुआ है तो मतलब ये क्या प्योर सब्सटेंसेस हैं मैम ये तो इम्प्योर हो जाएंगे ना कि इसमें तो डिफरेंट पार्टिकल्स तो आ जाएंगे जैसे मैं एग्जाम्पल लेती हूँ स्टूडेंट कि मान लीजिए मैंने लिया वहाँ पे सैंड uh, वाटर क्या लिया मैंने सैंड वाटर लिया सैंड वाटर क्या लिया मैंने एक ग्लास पानी लिया और इस एक ग्लास पानी में मैंने क्या डाल दिया मैंने रेड डाल दिया अब जैसे ही मैंने उसके अंदर रेड डाला और मैंने उसको ऐसे घुमाया तो हमने वहाँ पे क्या देखा स्टूडेंट हमने वहाँ पे ये चीज नोटिस करी कि उस सेंड के अंदर या फिर सैंड वाटर को छोड़ा सेंड को ही ले लो तो सेंड क्या प्योर है 所以，多重 नहीं मैम सेंड क्या है सेंड एक मिक्सर है क्यों है? क्योंकि मैम सेंड के अंदर क्ले के पार्टिकल्स हैं सेंड के अंदर डेड इंसेक्ट्स हैं के अंदर आपके क्या जो ग्रासेस होती हैं वो छोटी छोटी ग्रासेस हैं तो मतलब मैम सेंड आपका क्या है एक मिक्सचर है तो मिक्सचर जैसे नमकीन खाते हो ना मिक्सचर अरे मिक्सर मैम मुंह में पानी आ गया तो मिक्सचर जो होता है मिक्सचर इज जब बहुत सारी चीजें आपके आपस में मिक्स आपने कर दी है उसको डिटेल में यहाँ पे बताऊंगी एंड मिक्सचर फर्दर कैटेगराइज होंगे आपके होमोजिनस एंड हाइड्रोजिनस में क्या होमोजिनस मिक्सचर और हाइड्रोजिनस मिक्सचर में आपके मिक्सचर फर्दर कैटेगराइज होंगे जिनमें

तो एन ए कंपाउंड तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आप एन ए पॉजिटिव और सीएल अलग ऐसा तोड़ के अलग कर दोगे कि मैडम नमक दो मुझे अभी एन ए अलग करो अभी सीएल अलग करता हूँ ना कर ही नहीं पाओगे

जो हमारा मैटर होता है स्टूडेंट वो फर्दर टू कैटेगरीज में कैटेगराइज होगा प्योर सब्सटेंसेस में और आपका इमप्योर सब्सटेंसेस में हम्म तो प्योर सब्सटेंसेस क्या होंगे स्टूडेंट आपके प्योर सब्सटेंसेस आगे जाके फर्दर और कैटेगराइज होंगे जो आपके आएंगे एलिमेंट्स

Uh, आपके इम्प्योर में आपको बताया गया कि हर चीज क्या प्योर है मैं आपके यहाँ पे बताऊंगी कि कोलॉइड्स क्या होते हैं यहां पर हमारे uh, क्या होते हैं तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे स्टूडेंट हम यहाँ पे देखेंगे मिक्सचर्स क्या देखेंगे स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे मिक्सचर्स को देखेंगे मिक्सचर्स में भी आप फर्दर कैटेगराइज करेंगे होमोजेनस और हेट्रोजिनस मिक्सचर्स को हेट्रोजिनस मिक्सचर्स को आप यहां पे देखेंगे इतना पार्ट आप तो इतना हम लोग देख लेंगे उसके बाद स्टूडेंट मैं बात करी थी सोल्यूशन की तो बेसिकली क्या होते है? देखो आपसे बोलूं कि आप एक ग्लास पानी लो और एक ग्लास चीनी लो उनको मिला दो उनको मिला दो और आप जब उसको घोल दोगे तो वहां से बनेगा एक मतलब हाँ से नमक क्या बोलते हैं मैंने चीनी और पानी लिया था ना तो एक मीठा पानी तैयार हो जाएगा मैम तो जिसको हम ग्लूकोज भी बोल लेंगे ग्लूकोज का ही तो सोर्स है वो हमारा यस मैम ये तो हमें आता है अब तो वो ग्लूकोज का सोर्स हो गया आपका अब सोल्यूशन बेसिकली क्या है देखिए स्टूडेंट हम ये देखते हैं कि इसके जो पार्टिकल्स के साइज़ होते हैं वो कितना होता है वन नैनोमीटर का होता है कितना होता है वो स्टूडेंट वनो नैनोमीटर का होता है तो बेसिकली जो वन नैनोमीटर वाले पार्टिकल के साइज होते हैं नॉट विजिबल थ्रू नेकेड आई ये हमें नंगी आंखों से नहीं दिखते हैं आई इनको नहीं देख पाते हैं तो ऐसी होंगी सोल्यूशन बताऊंगी सब कुछ क्या होगा सोल्यून फिर सोल्यूशन करेंगे मैम सोलवेंट क्या होता है इसके थ्रू कैसे सोल्यूशन का फॉर्मेशन होता है सोल्यूबिलिटी क्या होती है फिर हम देखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन आती है देखो सस्पेंशन क्या होते हैं देखो सस्पेंशन क्या हो जाएंगे आपके स्टूडेंट्स बेसिकली मैं कॉलॉइड्स की बात करूँ तो ये आपके इनका जो पार्टिकल का साइज होता है स्टूडेंट वो किससे ज्यादा होता है वो सल्यूशन से ज्यादा होता है बट इसके पार्टिकल्स इतने बड़े भी नहीं होते कि हम उनको अपने नेकेड आई से देख लें जैसे कि मिल्क मिल्क एक कॉलॉइड होता है बट क्या उसके पार्टिकल तुम्हें विजिबल हो रहे हैं ऐसा तुम्हें लग रहा था कि मैम एक मिल्क का पार्टिकल मुझे डांस करता हुआ नजर आ रहा था नहीं होगा ऐसा फिर सस्पेंशन की बात करूं तो सस्पेंशन बेसिकली इसके पार्टिकल का साइज कितना होता है 1000 नैनोमीटर से ज्यादा होता है तो इसको हम लोग नेकेड आई से देख पाते हैं क्या इसको हम लोग नेकेड आई से देख पाते हैं जैसे कि मैं एग्जाम्पल लेती हूँ सेंड वाटर का तो अगर आप पानी के अंदर सेंड को डालोगे तो आप क्या सेंड को देख नहीं पाओगे हाँ इजिली देख पाओगे आप तो मतलब कि वो सस्पेंशन हो जाएंगे डिटेल में बताऊंगी जब सस्पेंशन पढ़ाऊंगी डोंट वरी फिर स्टूडेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन आपको क्या बताएगी कि मतलब कि मैम में क्या क्या है मतलब सल्यूशन के अंदर की कंपोजिशन अगर आपको पता करनी है तो आप देखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्यूशन और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्यूशन के अंदर स्टूडेंट्स हम लोग दो चीजें देखेंगे एक होगी क्वालिटेटिव और एक होगी क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव में मतलब कि मान लीजिए मैंने एक ग्लास पानी लिया और उसे एक ग्लास पानी में मैंने एक चम्मच नमक डाल दिया और जब एक ग्लास पानी में मैंने एक चम्मच नमक डाल दिया और उसको मैंने घुमा दिया तो स्टूडेंट आपको क्या लगता है कि वहां पर मैंने पानी को ज्यादा लिया और नमक को कम लिया तो ऐसे केस में जब हम देखते हैं कि जब आपका सोल्यूट कम होता है सल्यूट आपका कम होता है तो वो सल्यूशन आपका कैसा हो जाता है वो डायल्यूट हो जाता है और ऐसे मान लीजिए मैंने क्या करा मैंने वो नमक की कटोरी ले ली और उसमें दो बूंद पानी डाल दिया तो ऐसे कैसे मैम हमारा सल्यूट ज्यादा हो गया हम्म तो मतलब कि मैम वहां पे आपका सोल्यूशन कैसा हो गया या आपने ज्यादा नमक भर दिया तो मतलब कि वो कॉन्सेंट्रेटेड हो गया तो ऐसी जो कंपोजिशन होंगी उसको हम लोग बोलेंगे स्टूडेंट क्वालिटेटिव बट अगर क्वांटिटेटिव की बात करेंगे स्टूडेंट तो पिक्चर में आएगा आपका एक नई चीज जहां पर हम कंपोजिशन बताएंगे मास बाय मास परसेंटेज और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज जिसको मैं अभी यहीं पर होल्ड पर डालती हूँ इसका आगे डिस्कशन करूंगी इसका डिटेल सेशन में बिकॉज मैं नहीं चाहती कि आपका ये चीज अभी कि मैडम चैप्टर में नहीं समझ मारी है कोई दिक्कत नहीं है मैंने आपको सिर्फ एक आइडिया दे दिया है कि क्या होगा स्टूडेंट हम लोग मतलब में वर्ड यूज करते हैं भाई मेरा तो अभी पॉइंट आ चुका है इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता मतलब अब मेरी लिमिट है इससे ज्यादा अब मैं कुछ नहीं कर सकता तो वो होता है सैचुरटेड और देखो सैचुरेटेड सल्यूशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट सेल्यूशन का मतलब होता है कि आपने मान लीजिए पानी लिया और उस पानी में आपने नमक को घोलना शुरू करा और जब आपने उस पानी में नमक को घोलना शुरू करा और घोले जा रहे हैं घोले जा रहे हैं खूब घोल रहे हैं जब अगर आपने नमक डाल रखे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि नमक उसमें घुलना बंद हो जाएगा तो इसका मतलब है कि मैम उस पानी के अंदर अब नमक नहीं घुल रहा तो मतलब कि नमक का वो क्या आ गया सेचुरेशन पॉइंट आ गया कि भाई अब अगर आप ज्यादा नमक डालोगे भी ना तो नमक नीचे बैठ जाएगा तो ऐसे सोल्यूशन होंगे जहां पर सोल्यूट को एड नहीं कर सकते उसकी सोल्यूबिलिटी सोल्यबिटी अभी बताऊंगी अभी पिक्चर को होल्ड पर डालो इस बात पर अनसे होंगे स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे हम लोग जितना देखो एक मैंने आपको बताया ना कि एक सॉल्यूट का मतलब कि उस सॉल्यूशन का एक ऐसा पॉइंट आ चुका है कि अब उससे ज्यादा उसमें सॉल्यूट नहीं खुल सकता बट मान लीजिए आप सॉल्वेंट में इतना सोल्यूट मतलब नहीं डाल रहे हैं मतलब आपने पूरा सोल्यूट नहीं डाला थोड़ा सा डाला अभी भी चांस है कि वो और ज्यादा घुल सकता है बट आप नहीं डाल रहे हैं तो ऐसे सोल्यूशन अनसेचुरटेड हो जाएंगे फिर आएंगे स्टूडेंट सोलिबिलिटी सॉल्यूबिलिटी सोल्यूबिलिटी सोल्यूबिलिटी मतलब कि कोई चीज कितनी सोल्यूबल है सोल्यूबल इज इन द सेंस कि कोई चीज कितनी घुल सकती है डन यस मैम तो कोई चीज कितनी घुल सकती है तो वो हम लोग किस में देखेंगे स्टूडेंट सॉल्यूबिलिटी में देखेंगे इसके मल्टीपल फैक्टर्स होंगे जो सोल्यूबिलिटी को अफेक्ट करेंगे जैसे कि आपकी सॉल्यूबिलिटी किससे ज्यादा हो सकती है किससे

तो congratulations के वो कट चुकी है वरना ये ना भाई साहब पता चल जाता क्या, क्या क्या होती है और यहां तक जब आप मेरे साथ इस को देख लेंगे उसके आपका पूरी तरीके से मास्टर आई मेक श्योर ये मैं चीज आपको गारंटी दे रही हूं उसके बाद स्टूडेंट्स आपको पता है कि जैसे ही हम लोग किसी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पार्ट खत्म करते हैं तो उस एक्सप्लेनेशन पार्ट को खत्म करने के बाद स्टूडेंट हम क्या करते हैं हम सीधा पहुंच जाते हैं उसके क्वेश्चन आंसर्स पर और कौन से क्वेश्चन आंसर सबसे पहले देखते हैं एनसीईआरटी को एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट एनसीईआरटी के एक्सरसाइज उन सब क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं स्टूडेंट आफ्टर द एक्सप्लेनेशन पार्ट फिर आएंगे स्टूडेंट हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एज यू ऑल नो कि जब मैं एनसीईआरटी खत्म करा देती हूं तो मैं आपको लेके चलती हूँ एमसीक्यूज पर और एमसीक्यूज को हम लोग देखते हैं और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं जिससे मेरे स्टूडेंट के एग्जाम्स की प्रिपरेशन ऑन टॉप हो जाती है फिर आते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो यहाँ पे अजर्शन रीजन भी आता है आपका अजर्शन

नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट कंप्लीट चैप्टर रिविजन जब चैप्टर होगा पूरा सब कुछ मैं करा दूंगी आपका एक्सप्लेनेशन पार्ट मैं करा दूंगी आपका एनसीईआरटी मैं करा दूंगी आपका एमसीक्यूज क्यूज अजर्शन रीजन ये सब कुछ जब मैं आपका करा दूंगी एम आई क्यूज तो सिंपली एक वन शॉट आएगा उस वन शॉट के बाद चैप्टर होगा बिल्कुल क्रिस्टल एंड क्लियर ऑन टॉप तो भाई यहां पर ये चैप्टर का ओवरव्यू था मतलब कि आपको क्या क्या पढ़ना है तो मैंने छोटे छोटे आइडियाज आपको दे दिए हैं बड़े बड़े आइडियाज मैं आपको सेशन के अंदर दूंगी उसमें तो इतने बड़े बड़े दूंगी कि मैं आपको सोचने पर मजबूर कर दूंगी ऐसा क्यों हो रहा है ये तो आप जानते ही है तो स्टूडेंट्स भाई आपको सेशन पसंद आया है तो जल्दी से लाइक कर दो और रेड हार्ट को भी जल्दी से कमेंट कर दो वापस से एक और चीज बताऊंगी कि मैग्नेट मैगनेट्रेंस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराता है फ्रॉम फ्रॉम क्लास 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 टू टू फॉर फॉर सीबीएसई बोर्ड एंड स्टेट बोर्ड लाइक एमपी बोर्ड यूपी बोर्ड बिहार बोर्ड डली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड तो स्टूडेंट्स अगर आपको ई e बुक से नोट्स चाहिए उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रो यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर टेलीग्राम एंड व्हाट्सअप तो भाई आपको चैप्टर ओवरव्यू से एक चीज का आइडिया बहुत अच्छे से लग चुका होगा कि मैम हमें इस सेशन के अंदर क्या क्या पढ़ना है और आपने स्क्रीन भी लिए होंगे जब मैं आपको वो चीजें समझा रही होंगी अब अगले सेशन में मैं पहला चैप्टर लेकर मतलब पहला लेक्चर लेकर आऊंगी जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे प्योर एंड सब्सटेंसेस को को और उस सेशन को लगाने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन अगर प्योर और इम्प्योर से गलत चला गया तो भाई गारंटी मैं यहीं पर खड़ी हूं फिर तो मैं मिलती हूं आपसे नेक्स्ट सेशन में ऐसी धमाकेदार सेशन वो रहेगा इस चैप्टर का पहला लेक्चर आएगा वहां पर तो जब तक बने रहेगा मेरे साथ मैग्नेट मैगनेट पर थैंक यू सो मच